आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। अभी आफ्टरनून का टाइम था, लंच प्रिपेयर कर रही थी मैं। गोभी आलू की सब्जी बनी है, साथ में रात की थोड़ी सी कढ़ी बच गई थी तो बस वही गरम करी थी मैंने माइक्रोवेव में। और एक दो दिन पहले पता नहीं क्या हुआ, माइक्रोवेव को अचानक से चलना बंद हो गया था तो फिर अपने आप ही अचानक से चलने भी लगा। पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। एक्चुअली हम लोग कुछ घर वगैरह सर्च कर रहे हैं, बस उसी को देखने के लिए जाना था। कुछ नेट पर हम लोगों ने सोसाइटी वगैरह ढूंढी थी, विला वगैरह, तो हमने सोचा था कि वहाँ जाकर देख कर आएंगे जब भी कभी टाइम मिलेगा। तो आज थोड़ा समय था तो हम लोग निकल गए थे। तो सबसे पहले हम लोग गए थे त्रिलोकपुरम ग्रीन्स, और यहाँ पर ना पहले नेट पे दिखा रहा था कि विला वगैरह बने हुए हैं और काम वगैरह चल रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो पूरा का पूरा मैदान खाली था। तो बहुत सारी पड़ी हुई है प्रशांत यहाँ, लेकिन बना तो कुछ नहीं है अभी तक। बना हुआ कुछ नहीं है, लग तो ऐसा रहा था जैसे कि नेट पे देखकर आए थे हम लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। अभी बनने में मुझे लगता है सालों लग जाएंगे इसे। इधर भी है और ये हमें लेके जा रहे हैं विला दिखाने के लिए। आज कल मैं आपको सारी बात बताऊंगी डिटेल में, अभी फिलहाल हम लोग घर देखने के लिए आए हुए हैं। तो ये हमें लेकर जा रहे हैं जहाँ पर काफी सारी विला बन रही है, लगभग 200 से ज्यादा है ना प्रशांत। तो देखते हैं कि कैसा डिजाइन है इनका विला का। ये लिविंग रूम, ये स्टेयर्स जा रही हैं, ये है किचन, एक रूम इधर है, फिर ये वॉशरूम है। छत भी हमारी होगी, बेडरूम के साइज तो ठीक है। ये मैंने अभी देखा, ये स्टडी भी है, खुली हुई छत, यहाँ से पूरा दिख रहा है। फोर सीलिंग करके दे रहे हैं इसकी वीडियो भी बैठ लीजिए। फिर हम लोग आ गए थे थर्ड लोकेशन पर, ये ग्रेटर नोएडा में थी और ये लो राइज बिल्डिंग्स थी, इसमें ज़्यादा फ्लोर्स नहीं थे, लेकिन बिल्डिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही थी देखने से। एंट्रेंस वगैरह अभी ये बन रही है, अभी पूरी बनी नहीं है, लेकिन इनका जो सैम्पल फ्लैट है ना वो रेडी था। ये बिल्डिंग थी निरालास ग्रुप की, तो ये कॉमन एरिया जो हमें ये दिखाने के लिए लेकर आए थे इस तरीके से, और ये फ्लैट थे एक साइड में, दूसरी साइड एकदम ओपन एरिया था। काफ़ी अच्छी सी लॉबी दिख रही थी मेरे को, बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर ये हमें बाद में सैम्पल फ्लैट में भी लेकर गए थे, सैम्पल फ्लैट इनका काफ़ी अच्छा बना हुआ था और उसमें जो मटेरियल वगैरह इन्होंने यूज़ किया है वो भी मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इन्होंने यूज़ करी हैं। और जो मैं सैम्पल फ्लैट में दिखा रही हूँ वो सब ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि फॉल सीलिंग है, 3 बाथरूम थे और 3 ही इसमें रूम थे। एक्चुअली हम लोग 4 BHK ढूंढ रहे थे लेकिन ये 3 BHK निकला, और इसकी जो बालकनी थी वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी और मार्बल वगैरह, और बेडरूम में इन्होंने वुडन फ्लोरिंग कर रखी थी, अटैच बाथरूम था, और ये मास्टर बेडरूम है और इसकी बालकनी थोड़ी छोटी थी लेकिन बेडरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा ये इन्होंने अलमारी का स्पेस दे रखा था, ये दूसरा बेडरूम है जिसमें अटैच बाथरूम है अगेन, और यहाँ पर जो फ्लोरिंग थी वो टाइल्स वाली थी। किचन इनकी रेडी नहीं थी, किचन जैसी मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइम बिल्कुल वैसी ही मिलेगी, मतलब स्लैब्स वगैरह पड़े हुए हैं लेकिन कुछ भी सेमी मॉड्यूलर या मॉड्यूलर किचन ये प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये थी इनकी फॉल्स सीलिंग जो ये करके देंगे इस टाइप से, बेडरूम्स में भी हो रही है ऑलरेडी फॉल्स सीलिंग,
ये बेडरूम का बेडरूम वाला वॉशरूम है और ये है इनका लिविंग रूम। लिविंग रूम में भी फॉल सीलिंग वगैरह थी और साथ में अटैच बाथरूम था जो कॉमन बाथरूम होता है। सेम ही है, आमने सामने बात करो। फॉल सीलिंग सिर्फ इसमें। फिर सेम फ्लैट इन्होंने हमें दिखाया जो कि फर्निश्ड था, इसको भी ये करके दे सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको किचन वगैरह सब कुछ इस तरीके से बनी हुई मिलेगी तो उसके अलग चार्जेस हैं। बाकी ये पूरा फ्लैट ऐसे ही था जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया। वो आ जाएगा ना, लॉबी है ना जो कनेक्ट हो गए पूरे। जा जा जा। अरे सर्दी गर्मी हो गई, सर्दी गर्मी हो गई भैया इसे। पकड़ पकड़ मम्मी को पकड़ो, ठीक ना बंद कर दे। और आते ही सबसे पहले प्रशांत को चाहिए चाय, समोसा लेके आए रास्ते में से, कहे तो मैं समोसा खाऊंगा चाय के साथ, बहुत दिन से खाया नहीं है। आपको शायद पता ना हो प्रशांत का समोसा बहुत फेवरेट है चाय के साथ। चाय के साथ हाँ, अब कह रहे घड़ी की चौथाई में ना चाय बना दो। आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हम लोग देखने के लिए गए थे कुछ घर, उसके बारे में मैं अभी बात करूंगी आप सबसे कि हमारा प्लान क्या है और हम घर क्यों देखने गए। ये भी बताऊंगी कि नोएडा एक्सटेंशन में घरों के रेट क्या चल रहे हैं। तो गाइस लौटते वक्त में ना मैंने रीमा को बोला, रीमा यार घर पे जाके गरम गरम चाय बनाना, मैं समोसे ले लेता हूँ। तो मैंने तीन समोसे लिए, सही बात बताऊँ तो दो अपने लिए बिकॉज मेरे समोसे अपेरेंटली ज्यादा पसंद है और रीमा को समोसे थोड़े से कम पसंद है, खाती हैं लेकिन कम। तो मैंने तीन समोसे लिए, रीमा वो भी नहीं खा रही है, मैं अपने समोसे खा रहा हूँ। बात करें चाहे तो अपार्टमेंट की बात करें या विला की या लो राइज की, तो हम लोग गए थे ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में पीछे की साइड में तीन मूर्ति, दो मूर्ति, जो लोग इस साइड में रहने वाले लोग हैं। तो पहले वाले जहाँ पे गए थे ना वो तो बहुत ही बकवास था, वो तो लिटरली वो बहुत ही बकवास था। मतलब एक जगह हम गए वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, लोग एडवर्टाइजमेंट ऐसा कर देते हैं कि पता नहीं वहाँ पे क्या क्या होगा। हम ये सोच के गए थे कि वहाँ पे कोई अच्छी सी विला हमें दिखाई देगी, एटलीस्ट सैंपल दिखाई देगा, कुछ नहीं, खाली मैदान। फिर दूसरा जब घर जब वापस आए ग्रेटर नोएडा की साइड में एक और सोसाइटी में गए तो मालूम पड़ा कि भाई वो जो ऐसी ऐसी विला है, मतलब रीवा ने डाला है उसका कि मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोग रहेंगे नहीं वहाँ पे, रहेंगे लेकिन हमारी चॉइस की नहीं थी वो। ठीक है, इट वॉज जस्ट लाइक अ होम। आजकल एक ट्रेंड और चल गया मैंने देखा है, लोग जो होते हैं ना अभी एक जमीन लेते हैं और उसके ऊपर घर बना देते हैं, बस वन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर और एक जैसे घर बना देते हैं सारे, और उसके बाद और उसको कह देते हैं ये विला है, जबकि वो विला विला नहीं होती है, वो एक घर होता है बना हुआ जमीन पे, जैसे होते हैं सबके घर ही, जैसे नॉर्मल घर होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स के घर हैं। हाँ, बस उसमें ये है कि अलग अलग लोगों ने बनवाए, यहाँ पे जो एक डेवलपर मिलके बना देता है वो विला, इसीलिए विला बोलते हैं। हाँ, इसीलिए क्योंकि आजकल विला सबके दिमाग में घूमती है ना। हाँ। तो इसलिए लोग घर को भी आजकल जो बिल्डर्स करने लगे घरों को भी विला कह के बेचने लगे। फिर उसके बाद हम लोग गए जो लास्ट वाले में गए थे वो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, आपने एक बात नहीं बताई कि वो वाली अगर उसकी रजिस्ट्री कराने चलोगे तो वो नोएडा से नहीं होगी, वो दादरी से होगी। वो दादरी से होगी, वो विलेज है और ये जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में आ रहा था, तो ये बात जो है बिल्डर कई बार क्लियर नहीं बताते हैं। नहीं बताई उसने। हाँ, खैर उधर तो लेने का कोई सवाल ही नहीं था, मुझे पसंद ही नहीं आया वो। किचन इतनी छोटी कि मैं क्या ही बोलूं, मतलब मुझे लगा कोई मेरी बालकनी को कवर करके किचन बना दिया। हाँ। किचन में इतना भी स्पेस नहीं था कि बंदा खड़े होकर थोड़ा हिल भी सके, मतलब एक विला में इतनी छोटी किचन जो कि 2200 स्क्वायर फीट का था, 2200 स्क्वायर फीट में इतनी छोटी जगह मिली किचन के लिए। मेरे को समझ में नहीं आता बिल्डर को ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि लेडीज का मोस्ट ऑफ द टाइम जो है किचन में बीतता है, किचन को ना एक प्रॉपर प्लेस देनी चाहिए। Exactly. जैसे बाकी चीजों को देते हो आप,
किचन को मैंने अक्सर देखा है लोग जो है ना प्रॉपर प्लेस नहीं देते, प्रॉपर प्रायोरिटी नहीं देते, छोटी सी अंधेरे में बना देंगे। जबकि सबसे ज्यादा टाइम लेडीज का जो है ना वो किचन में ही जाता है, और वो सबसे ज्यादा एरिया खुली होनी चाहिए और हैप्पीनेस होनी चाहिए, और हैप्पीनेस होनी चाहिए, ब्राइटनेस होनी चाहिए उसमें, है ना। तभी तो अच्छी अच्छी रेसिपीज बनेंगी और तभी तो अच्छे अच्छा खाने को मिलेगा, है ना। अगर उसी को दवा कुचरा कर देंगे तो जली हुई सब्जी मिलेगी फिर, है ना। तो किचन को भाई सबसे अच्छा अपने घर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हुए सबसे अच्छा टाइम, सबसे ज्यादा पैसा वहीं लगाना चाहिए। एक किचन में, अरे कब अपने मंदिर में भी लगाई है, मतलब वो ले गया, हम चले गए भाई देखने, लेकिन मुझे वो लोकेशन नहीं पसंद आई। वो एक्चुअली मैं एक विलेज में था, तो कितने स्क्वायर फीट दिया था वो, हाँ लगभग कुछ 2200 स्क्वायर फीट, मतलब 100 गज के करीब में था। हाँ, वो 90 लाख समथिंग था उसका, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 90 लाख, मतलब वो विलेज में कोई डेवलपर डेवलप कर रहे हैं वो 90 लाख के करीब का था, जिसकी रजिस्ट्री दादरी से होगी, जिसकी दादरी से होगी, तो मतलब ये बात भी छुपा रहे थे लोग। हाँ। अच्छा अब ये देखिए, दूसरे में गए वो अच्छा था, बट प्राइसेस जो इस वक्त चल रहे हैं ग्रेटर नोएडा साइड में, वो सुन के तो हमें लगा कि पता नहीं बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा अगर हम इसमें बढ़ेंगे। बिकॉज वहां पे 4 बेडरूम हम देखने गए थे। बेसिकली क्या हुआ था ना कुछ दिन पहले, मतलब हम दोनों ये डिस्कस कर रहे थे और नोटिस किया कि जो हमारे घर में ना अगर 3-4 फैमिलीज आ जाती हैं तो बहुत ज्यादा भर जाता है, मतलब हमारा लिविंग रूम और हमारा डाइनिंग एरिया ना इतना थोड़ा सा सफिशियंट नहीं है अगर 3-4 फैमिलीज आ जाए तो। तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो अपग्रेड करने का टाइम आ गया है, मैंने सोचा अपग्रेड करने का टाइम आ गया है तो चलो मार्केट देखते आते हैं कैसे चल रहा है। प्लस तो मुझे ना एक और रूम की जरूरत है क्योंकि प्रशांत भी घर से काम करते हैं, मेरा भी खुद का काम रहता है, तो पता है हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं 2 रूम ऐसे चाहिए होते हैं जिसमें आप हमारा आराम से डेस्क वगैरह डाल के काम कर सके। एग्जैक्टली, तो इसलिए हमारा मूड बन रहा है कि हम कोई 4 BHK या तो अपार्टमेंट देखें या फिर विला देखें। उसके अलावा फिर जब हम लोग गए एक लो राइज हमने देखा जिसमें हम सबसे एंड में गए थे, वो अच्छा लगा, वो अच्छा था, लेकिन उसके अंदर स्पेस बहुत कम थी यार, इतनी थी जितनी हमारे घर की है, जितना हमारे घर की है उतना, और वो जो उसकी कॉस्ट आ रही थी वो थी 1.5 करोड़ के करीब, 1.6 करोड़ पर 1.6 CR में हम ये घर छोड़ के उधर क्यों जाएंगे। सच बात है, मुझे नहीं समझ में आया, हमें चाहिए ज्यादा स्पेस, ठीक है ना, और रूम भी 3 ही थे उसमें, 4 रूम भी नहीं थे उसमें, रूम भी 3 थे, हालांकि बना हुआ अच्छा था, मटेरियल अच्छा था, बिल्डर भी अच्छा था, लेकिन कहीं ना मुझे स्पेस ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया। मतलब आई डोंट गेट इट कि हम ये मकान हम बेचेंगे और फिर सेम स्पेस में उधर जाएंगे, और वो भी हमारे बहुत एक्सपेंसिव, तो बड़ा इसकी है एरिया ज्यादा होना चाहिए हमारे, बड़ा लिविंग रूम की है। हाँ। एक और कमरे की है, तो वो वहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है कि ये हमारी जो खोज है वो यही खत्म हो गई है, हम 2-3 जगह देख कर आए और हमें लगा कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, हम आगे भी देखते रहेंगे। आई थिंक विला जो है अगर हम प्रॉपर लेने जाएंगे किसी रेप्यूटेड बिल्डर की, तो हमें जैसे गोदरेज वगैरह की है तो वो हमें 3-3.5 CR की मिलेगी, 3.5 CR और उसकी, तो भैया पता नहीं इतना बजट है कि इतना बजट तो नहीं मैं लेके चल रही हूँ, मैं बस सोच रही हूँ कि 4 BHK हम करेंगे क्या, मतलब हम इतना बड़ा, मुझे ना ऊपर नीचे चक्कर भी नहीं काटने, जैसे ऊपर नीचे करती रहूँ, क्योंकि देखो घर में अगर बच्चे रहे ना तो भी ऊपर नीचे करने में मजा आता है। हाँ। हमारे मुझे और प्रशांत को अगर रहना है तो हमारे लिए 4 BHK जो है वो सफिशियंट है, अपनी लाइफ में सोचती हूँ कि 3 BHK से अगर शिफ्ट हो तो 4 BHK में ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट हो जाऊँ, जिसमें मेरे को ज्यादा अमाउंट भी ना देना पड़े और मेरा घर भी बड़ा हो जाए, ऐसा सोच रही हूँ। रिसर्च चालू रहेगी, देखते कितना हमें क्या समझ आता है, और ये तो घर है ही हमारा अपना, तो हमें ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है कि मैं अभी जा रही हूँ अपनी योगा क्लास, मैंने कुछ टाइम से योगा क्लास ज्वाइन करी है, और वहां पर ना सर आते हैं योगा क्लास में, बहुत ही अच्छा कराते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत अच्छे से, प्रशांत तुम भी चला करो ना, जेंट्स भी आते हैं, ऐसा थोड़ी है नहीं आते हैं योगा कोई। हाँ? जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं होता, मेरे ही क्लास में इसमें 4-5 जेंट्स आते हैं, बाकी लेडीज होती हैं लेकिन जेंट्स भी होते हैं, और सर ना बिल्कुल एकदम आपको 1 घंटा ना ऐसे कर देते हैं जैसे आप आराम से, उनको बहुत अच्छा योगा आता है। वैसे पता है उनकी अगर आप पर क्लास लेने चलोगे, ऑनलाइन भी देते हैं, तो वो बता रहे थे पर सिटिंग उनकी 300 रुपए है पर सिटिंग, तो मैंने कहा इसमें ज्यादा फायदा है, तो मैंने कुछ टाइम से योगा स्टार्ट किया है,
और उससे पहले भी मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कभी कभी आप लोग पूछते हो ना कि दीदी आप बड़े पतले लग रहे हो आजकल, तो मेरा वॉक वगैरह चलता रहता है, नहीं तो घर में भी कुछ एक्सरसाइज चलती रहती है। मैं अपना दिन का जो सुबह का टाइम है ना, वो बहुत प्रीशियस होता है मेरे लिए। तो आपने अक्सर देखा होगा मैं बहुत जल्दी व्लॉग स्टार्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग के सारी जो चीजें हैं पहले उन्हें खत्म करके देन व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। 12 बजे तक तो घर में सफाई वफाई होती है। हाँ, फिर क्लीनिंग भी चलती रहती है, बर्तन सफाई है, वो खाना नाश्ता, ये सारी घूमना, उसके अलावा मेरी खुद की एक्सरसाइज, मेरी मीटिंग सुबह की। तो सुबह के 12 बजे तक तो ना हम लोगों को खुद नहीं होश होता, हम का है। हाँ, तो चलिए, मेरी क्लास है अभी थोड़ी देर में, तो मैं क्लास अटेंड करने जाऊंगी। अच्छा लगा, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी आगे भी।